शहर के सेंधा रोड स्थित सोहन नगर तथा दयानंद कॉलोनी में विगत कई दिनों से पेयजल वितरण के दौरान गंदा व बदबूदार पानी मिलने के कारण क्षेत्रवासियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हालात ये है कि क्षेत्रवासियों को पीने योग्य पानी टैंकरों के माध्यम से खरीदना पड़ रहा है, जिसके कारण लोगों को आर्थिक संकट का भी सामना करना पड़ रहा है। हैरत की बात तो यह है कि संबंध में जलदाय विभाग के अधिकारियों तथा कर्मचारियों को अवगत कराने के बाद वे लोग मौके पर पहुंचे तथा मौका मुआयना किया, लेकिन समस्या का समाधान अब तक नहीं हुआ। बुधवार को क्षेत्र में पेयजल वितरण के दौरान फिर से गंदा व बदबूदार पानी मिलने पर क्षेत्रवासियों में आक्रोश फैल गया। आक्रोशित क्षेत्रवासी बुधवार सुबह टाटगढ़ टंकी स्थित जलदाय विभाग के ऑफिस पहुंचे, जहां पर विभाग की कार्यशैली तथा अनदेखी पर विरोध प्रदर्शन किया। इसके बाद पीड़ित क्षेत्रवासियों ने ऑफिस में मौजूद सहायक अभियंता SD गहलोत के समक्ष अपना विरोध जताते हुए अब तक समस्या का समाधान नहीं होने पर खरी खोटी सुनाई। क्षेत्रवासियों ने बताया कि विगत कई दिनों से सोहन नगर तथा दयानंद कॉलोनी में गंदा व बदबूदार पानी आ रहा है, जिसकी शिकायत की गई, लेकिन विभाग की ओर से कोई ध्यान नहीं दिया गया है, जिसके कारण क्षेत्रवासियों के पेयजल को लेकर परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। क्षेत्रवासियों के आक्रोश को देखते हुए सहायक अभियंता गहलोत ने शीघ्र ही उक्त समस्या के समाधान का आश्वासन दिया। तब कहीं जाकर क्षेत्रवासी शांत हुए। ज्ञापन देने वालों में जितेंद्र कुमावत, सुवालाल, गोपी माली, लक्ष्मण जांगीर, प्रकाश बाबू राम, गोपाल, आरती, शांति देवी, जमुना देवी, रेखा जयसवानी, पिंकी, संतोष कुमावत, लक्ष्मी देवी, मंजू देवी तथा ममता सेन सहित अन्य क्षेत्रवासी शामिल थे। क्षेत्रवासी जितेंद्र कुमावत ने बताया कि विगत 4 माह से क्षेत्र में गंदे व बदबूदार पानी की सप्लाई हो रही है, जिसके कारण क्षेत्र में बीमारियां फैल रही है। विभाग को बार बार अवगत कराने के बाद भी इस ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। अगर समय रहते इस समस्या के समाधान की सोहन नगर में 5-6 महीने हो गए पानी नहीं आता है, और आता भी है वो बहुत गंदा आता है। पाइप टूटे हुए हैं जगह जगह, और पानी जो कपड़े धोते हैं लोग वो गंदा कीचड़ का पानी आता है, बहुत बदबू का पानी आता है। बच्चे पीते हैं उसको, उससे बीमार हो रहे हैं, और बड़े भी बीमार हो रहे हैं, बच्चे भी बीमार हो रहे हैं। हॉस्पिटल से रोज़ दवाइयाँ लाते हैं। आज क्या बोला है? और यहाँ पर कई बार आके कंप्लेंट की है, कोई सुनवाई नहीं की। आज वापस परेशान होके फिर वापस आए हैं, जो इन्होंने अब दिलासा दिया कि हम 2 दिन में कर देंगे। अब 2 दिन में नहीं करेंगे तो फिर हमको वापस यहाँ पे आकर ही धरना देना पड़ेगा। हमारे 4 महीने से गंदा पानी आ रहा है, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। हमको मजबूर होके यहाँ आना पड़ा। सब बीमार पड़े हैं, हमारी पूरी कॉलोनी के अंदर, एक एक घर के अंदर, एक एक परिवार में सभी बीमार चल रहे हैं। और ये गंदे पानी की आज तक 4 महीने से कभी भी सुनवाई नहीं हुई है। उन्होंने कहा है कि हम 3 दिन के अंदर अंदर आपकी ये सारी सुनवाई समस्या का समाधान कर देंगे। नहीं करेंगे तो हमको मजबूरन होके यहीं धरना देना पड़ेगा।